हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ केसिंग क्लासेस, फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मात, माधिका, बहुलक और परिसर। आगे बताना था, मैंने आपको कहा था कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं, विचलन, प्रसार, प्रसरण, ये तीनों एक ही चीज है। विचलन दे दे, प्रसार दे दे, प्रसरण दे दे, तीनों ना एक ही चीज है। अब विचलन गुणांक निकालने के लिए तो ये सारे टॉपिक हैं, बस ये सात टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो मैं आज क्लियर करता हूँ मानक विचलन। मानक विचलन जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर ये भी क्लियर कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहा जाएगा कि विचलन निकालिए। तो विचलन और मानक विचलन दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, है ना। तो विचलन निकालने के लिए कहेगा विचलन निकाले, ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी में, विचलन निकाले, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य आपको पता है, माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे एन। तो इस सारा संख्या का योग 10 + 10 + 9 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 बटे कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 11, 9, 20, 70, 11, 9, 20, 90, है ना। तो ये हो गया 90/9 इक्वल टू हो गया 10। इसका माध्य निकल गया 10, है ना। अब हमको निकालना है मानक विचलन। इसका मानक विचलन निकालिए। तो मानक विचलन जब निकालते हैं, मानक विचलन या विचलन एक ही चीज है, तो रूट प्रतिजी, मानक विचलन और विचलन निकालने के लिए रूट कर दीजिए। और ये जो माध्य है, माध्य जो निकला है 10, इसमें से प्रत्येक संख्या को घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए। तो ये 10 है, तो 10 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। फिर ये 10 है, 10 में से फिर इस 10 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। इस 10 में से फिर आगे घटाते हैं तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, फिर इस 10 में से 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करके देंगे। फिर आगे इसी तरह 0 का स्क्वायर, फिर 2 हो गया। फिर अब इसको करते हैं, 10 में से 11 जाएगा तो -1 होगा, 10 में से 11 जाएगा तो -1 ही होगा ना। तो 10 में से 11 जाएगा तो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कर या +1 का स्क्वायर करिए तो वो तो 1 ही आना। फिर इस 10 में से फिर इस 10 को घटाइए तो 0 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। बार बार जितना संख्या है, बस विचलन में एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये जो माध्य है उसमें प्रत्येक संख्या को घटा करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जितना संख्या है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है तो इससे 9 से भाग कर दीजिए। तो अब जो आ गया, अब आप देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये रूट, 0 तो 0 ही हो गया, 0 ही हो गया, 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, तो ये हो गया 4/9 विचलन। चार बटे नौ इसे अगर तोड़ेंगे तो जाएगा 2/3, यही हो गया इसका आंसर। तो मानक विचलन समझ गया,
माध्य निकाल करके प्रत्येक संख्या को घटा के उसका स्क्वायर करके और जितना संख्या उसे भाग दे देंगे तो 4/9 आ गया है ना। तो 4 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/3। तो ये तो हो गया विचरण है ना। अब कहेगा कि विचरण निकालिए या प्रसार निकालिए या प्रसरण निकालिए, ये तीनों एक ही बातें हैं, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं। ये तीनों एक ही चीज है, विचरण प्रसार और प्रसरण एक ही चीज है। तो कहा जाएगा कि इसी संख्या का विचरण निकालिए। तो संख्या क्या था, संख्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो आप विचलन निकाले थे वो निकाले थे आपने 2/3, ठीक है 2/3। तो विचरण जो होता है या प्रसार या प्रसरण, ये होता है विचलन का, विचलन मतलब दो चरण, स्क्वायर कर दीजिए अपनी तरफ से, तो विचलन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर, ये हो गया 4/9। तो विचलन प्रसार और प्रसरण तीनों एक ही चीज है, इसका फॉर्मूला होता है विचलन का स्क्वायर। तो अगर इस प्रश्न में कहा जाता निकालने के लिए तो विचलन तो पहले हम निकाल लिए 2/3, तो इसका स्क्वायर कर दिए तो हो गया 4/9, आपका विचलन प्रसार और प्रसरण क्लियर हो गया है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि विचलन गुणांक विचलन गुणांक का सूत्र होता है, विचलन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सूत्र होता है विचलन बटे माप गुना सौ%, विचलन बटे माप गुना 100%, ये फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन में कहा जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछा गया है कि यदि एक जनसंख्या का 20 है तथा माध 80 है, तो विचलन गुणांक निकालिए, तो विचलन गुणांक निकालिए, ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचलन दिया हुआ है आपका 20, माध दिया हुआ है 80, गुना 100%, तो 20 × 80 = 25% इसका हो गया विचलन गुणांक। उम्मीद है कि आपको विचलन गुणांक, विचलन प्रसरण या प्रसार, मानक विचलन, ये क्लियर हो गया। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। रेंज में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज का, अगर आपको माइनस में दे दे है ना, कि −1, −2, −13, 20, 21, इसके लिए बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए, परिसर के लिए 0 का परिसर निकालें, ये क्वेश्चन देखा गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। तो जब रेंज, ये तो हो ही गया, तो रेंज में जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप
परिसर का सबसे बढ़िया फॉर्मूला आप जानते हैं कि बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या, है ना, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, देखिए तो 20, 21 है, है ना, माइनस। और छोटी संख्या इसमें कौन है, तो छोटी संख्या इसमें माइनस भी। एक चीज याद रखिएगा, छोटी संख्या में जो माइनस है ना, उसको लिख दिए तो ये 21 माइनस माइनस प्लस 13, तो 21 13 3 1 4 2 1 3, ये इसका आंसर है, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया है ना, और आगे इसी तरह वीडियो डालेंगे, पसंद करिएगा, ठीक है, बाय।